दिल से दुनिया के हर एक गम को भुला देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। टेढ़े वाह, इंसान बना देता है। एक तो मेरा कैमरा मुख आपने हाईजैक किया है पहली बात, दूसरी बात ये कि आप गाना गा रहे इंसान बना देता है। हाँ, क्या आप इंसान बन चुके हैं? नहीं नहीं, वो असल में ये गाना है मेहंदी हसन साहब का, बहुत अच्छा। एक और बात, मेहंदी हसन साहब होते हैं, मेहंदी क्यों बनाते हैं आप? डॉक्टर साहब हर चीज ना तुम्हें ठीक कर देंगे। तीसरी बात, इंसान बन जाए, इधर गाने गाते फिर रहे हैं, और आपको पता है आपने तमाम व्यूअर्स को कितना परेशान किया है। डॉक्टर साहब अचानक जानते हैं, अब पूछे मुझसे जी डॉक्टर, मैंने एक छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा वीडियो क्या लगा दिया, लोग इतने हैरान, इतने परेशान हो गए आपके लिए कि रंगीला साहब को क्या हो गया है सेट के ऊपर। सलामत रहे आप भी और जितने प्यार करते हैं जिन्होंने भी आपसे पूछा। असल हमारी कमाई यही है डॉक्टर साहब कि ये जो सारे हमारे साथ प्यार करते हैं ना, है? तो आप भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं और आपके लिए बड़ी दुआएं डॉक्टर साहब। आपने उस वक्त जिस तरह मुझे हौसला दिया, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर 160 चला गया, यानी कि 160 जो कभी नहीं ऐसे हुआ, तो पता नहीं क्यों शूट किया। असल वजह थी कि मैंने ना शाम को और नान खा ली, मैं इतनी बदतरी नहीं करता मगर मैंने नान खाया हलवे के साथ, खट्टे खट्टे अचार, और आप इस किस्म के सलाद खा के सारा शो में खोंकते रहते हैं, फिर एक्स्ट्रा ओवर खा के आप सारा शो में सोते रहते हैं। इस तरह नहीं, आपने नान खा लिया, आपको ब्लड प्रेशर आया हो गया, मतलब उसके बाद प्रेस शुरू हो चुका है। आपने देखा, दो दिन हुए मैं कब खासा हूँ शो में, बताएं। यानी उस हाल को पहुंच के, मेरे से डांट खा के, एक और डॉक्टर का विजिट करके अभी बाज आए हैं। अभी क्यों, अब इस साइड पे क्यों आए हैं, मैं आपको वजह बताती हूँ। क्योंकि इनके पास जो इनकी दूसरी मसरूफियत है ना, काम खराब करने की, यानी कि इनकी गाड़ी, उससे फारिग हुए। उन्होंने कहा अगले काम किस तरह खराब किए जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, खुश रहे, सलामत रहे। और गाड़ी क्या बात है, गाड़ी अल्लाह बड़ी बेहतर देने वाला है। गाड़ी की नहीं, बात है बार बार गाड़ी मारने की, उसको दुलत्ती लगवाने की, जा अब ये दुलत्ती की बात है, मैं क्या कहूँ। एक दफा ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि जब मेरी गाड़ी को मारी थी ना दुलत्ती गधे ने, है? तो yes. वो बात हो गई प्रोग्राम में। तो मैं एक शॉपिंग सेंटर में गया अपने बच्चों के साथ, तो एक औरत आई, तो गाड़ी का कलर ऐसा था, दूर से लोगों को पता चल जाता गाड़ी आ रही, तो एक औरत अपने बच्चों के साथ गाड़ी के चक्कर लगा रही। तो मैंने बाजी खैरियत है, कहती वही भाईजन आप वही हैं, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा ये गाड़ी वही है, तो मैं चेक कर रही हूँ। मैं कहता आप कैसे चेक करेंगे? कहती मुझे पता है वो गधे ने जो दुलत्ती मारी थी वो निशान पड़ा हुआ आपकी गाड़ी पे है। जब उसने जाके देखा तो कहती ओए ये वही गाड़ी है बच्चों, कहती वही गाड़ी है, दुलत्ती का निशान पक्का है। अब देखे मैं भाई अल्लाह ये क्या निशानियां हैं। देखिए रंगीला साहब, अगर हम ये चीजें आपकी ना बताए लोगों को, तो उनको कैसे पता चले कि हमारे पास एक आइकॉनिक कैरेक्टर मौजूद है, वो क्या क्या करते फिरते हैं और फिर मासूम स्कीम बन जाते हैं। देखिए ये सब इत्तेफाक से था, आप यकीन कर मुझे तो नहीं। क्यों अंदर रंगीला साहब पता नहीं, हाँ ना हो जाता है ऐसे। हाँ जी यकीन कर, आप यकीन कर, मैं अच्छा, ऐसा अभी आप बड़े गाने गाते फिर आज तो भी ठीक है, बहाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब गया गर्म पानी पीता हूँ, ना मैंने चाय पी है, ना मैंने कॉफी पी है, ना ग्रीन टी पी है। देखते हैं कब तक आप अगला मसला खड़ा। मैं परहेज का पका हूँ, क्योंकि आपके डंडे नहीं खा सकता, परहेज कर सकता हूँ। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अभी तो मैंने कुछ गिनवाया ही नहीं, छोटी सी झलकी नजर आती है आपको, यानी ये सीधे रास्ते पे सीधा चल ही नहीं सकते। इनका काम है कि कहीं ना कहीं से अड़ते रहे और लोग इनके ऊपर ना तरस खाते रहे। ये देखिए अभी भी कह रहे कट करें, मैं कट नहीं करूंगी, सारा कुछ एज इट इज जाएगा। जैसे मैंने बताना शुरू किया कि आप पहले कहां से शुरू किया था, जो हाईलाइट हुआ, पहले गाड़ी को इस तरह लेकर आए, बैग किस तरह, मुझे बताया। खुदाई सजना है मैं फिर ऐसा।
तेरे लिए सजाए ये टम 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 टम। थैंक यू वेरी मच। जिस मकसद के लिए भी इन्होंने ये महफिल सजाई उसका मतलब है मुझे खामोश कर लेंगे, ऐसे हो नहीं सकता, वो फरार हो रहा है। ओ यार बंद करो, क्या सुवियर्स ये तो भाग गए हैं, लेकिन मैं खास तौर पे आपको बताना चाहती थी, लोग मेरे से इतने सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, लोग बहुत प्यार करते हैं रंगीला साहब से, मैं जानती हूँ, दिखाना जरूरी था। तो ये है उनके हालात, आपको कहीं से लगता है कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन था ये? सो आप लोग देख चुके हैं ऐसे कोई हालात मसाइल नहीं होते। कैमरा हटाओ, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मैं स्पाइडरमैन हूँ, स्पाइडरमैन कम। मेरे ख्याल से आप नहीं, डॉक्टर साहब ये कैरेक्टर था जो कि अभी प्ले किया पूरा सही था, तो ये उसके हवाले से जिस तरह से गबोल ने छलांग मारी थी, मैं परेशान हूँ, पता नहीं कौन आया जाके दिमाग में, पता नहीं क्या बात हो रही है, कहीं व्लॉग हमारी वजह से खराब ना हो। आपकी वजह से ये कबूतर की आंखें बंद करने नहीं होती कि जब बिल्ली आ गई, मुझे पता मैं आ गया तो मैं चिपक गया उसके साथ, मैं अपनी तरफ से ट्राई किया। नहीं सुनिए, आंखों के बाल बनने लगे जिस दिन मैं बिल्ली आ गई, तो मोहब्बत नहीं, आज आज हम शाहरुख खान बनेंगे और पठान की बात हो रही है, गाने गाए, नाचे, खाने खाए, हर चीज, अब गला पूरा बैठ गया। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे नैना, मेरी नैना को ढूंढते, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूँ, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूँगा, और शायद सारे पैसे इसी एक्सप्रेशन के, और शायद उसके बाद भी। अच्छा माइक ना तोड़ देना भाई। 1 करोड़ रुपए का एक्सप्रेशन। एनीवे खुश रहें, आबाद रहें, डॉक्टर साहबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा भी एक चैनल है, मैं उस पर एक्टिव नहीं हूं, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी यार मोहब्बत को भी सब्सक्राइब करें। यस, और गबोल जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेकर आता है ना, वो आइटम होती है देखने वाली। ये बात है। अरे हमारे पीछे कौन है, कौन है? अरे ये लड्डू, ये वो लड्डू है जो वहाँ होते हैं। आपकी ट्रैक करें ना, क्या लोग जानते हैं कि लड्डू असल में जा रहे हैं अमेरिका? जी इंशाल्लाह, क्यों? अरे पक्की बात है, लड्डू शुरू। हाँ जी जी, ये वो वाले लड्डू है ही नहीं जो ये जितने खुले हुए ये होते हैं। अभी तो लोगों के सामने तो ऐसी बात नहीं कहते, अभी तो कैमरे के सामने आया ना, इसलिए शाय होने की प्रिटेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, क्यों नहीं चले ये लोग, ये जो ब्लॉग बना रहे हैं इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। क्या बात है, हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, थैंक यू। हमारा स्टार है, हमारा स्टार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिग स्टार मैं आया डॉक्टर साहब। और लाला आप भी तो अपना एग्जिट देना यार। हाँ यार मैं अभी कर रहा हूँ करवा के, और वो गाना जो लास्ट टाइम अधूरा रह गया था। हाँ हाँ, कौन सा गाने जो होते हैं आइटम ही होती है। देखिए डॉक्टर साहब, ब्लूपर बन गया था कि चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं पड़ जाओ लाला, वो ब्लूपर का ना एक तो आप इसको आप मुकम्मल करें, मैं ताकि ये थंबनेल में लोगों को बताएं कि उस दिन जो था मुकम्मल नहीं करें, कंपेंसेट करें जाते जाते, तुमको बताया हम इतने बेसिक नहीं है। चले मेरी तरफ से खुदा हाफिज लाला एंटरटेनमेंट। तो व्यूअर्स मेरी तरफ से तो है खुदा हाफिज, लेकिन यहाँ पर लाला कंपेंसेट करेंगे उस वीडियो को, जस्ट टू प्रूव यू पीपल दैट ही इज नॉट दैट बेसुरा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, देखिए फ्लो में चीजें जो है ना वो गलत हो जाती हैं, और मैं देख रहा हूँ फ्लो में जो है वो अक्सर चीजें गलत हो जाती हैं, और उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा सोच से मत गलत हो जाती है, आई बिलीव हम सब इंसान हैं, लेकिन आप तो उसके जैसे कहते हैं ना एक मंबा है गलतियों का, वैसे वो कमाल थी, आपकी आवाज गायब हो गई, आप नागी साहब बन गए थे। नहीं मानो डॉक्टर साहब, ये बात मेरे हक में थी या खिलाफ?
इसको व्यूअर्स देख के बता सकते हैं क्या थी, लेकिन लाला आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, सही वाले वीर हैं, लाला हैं, सो जाते जाते आप व्यूअर्स को क्या सुनाएंगे? मैं वही सुनाता हूँ फिर, सोच ले। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से से से। वाओ, बहुत आला लाला, थैंक यू सो मच, बहुत आला लाला, वाह।